मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। हमारी मॉर्निंग हुई है टीवी के स्टार्ट के साथ, और जो है खतीजा यहाँ पे उठ के बैठ गई हैं, टीवी देख रही हैं, उसको ड्रेस वगैरह चेंज करवाते हैं। यहाँ पे पांडा है, चलो दिया है जी, बिल्कुल रेडी। खतीजा रेडी होके जो है वो बैठ गई हैं आराम से, उसको हम हो गई थी, और जो है मैं खतीजा को जो है ना वो पार्क लेके आ गई थी। खतीजा वहाँ पे स्विंग कर रही है, अपनी स्लाइड कर रही है। आजकल फ़ौरन ही जो है ना रात हो जा रही है, और गर्मी तो इतनी हो रही है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। बच्चों को तो ज़ाहिर है इंटरटेनमेंट देनी पड़ती है, क्या करें। आप बताएं आप लोगों का संडे जो है वो कैसे गुजरता है ना। हम ऊपर जा रहे हैं, खतीजा का जो है वो रूम बहुत 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 ज़्यादा जो है ना इतने दिनों से वो हो रहा है मैसी बहुत ज़्यादा। इसकी बर्थडे थी तो मैंने नीचे से सामान ऊपर रख दिया था, तो उसकी वजह से ना इसका रूम बहुत मैसी हो रहा है। वो सारा जो है ना सेट करेंगे, बहुत जो है ना बुरा हाल हो रहा है। सारे कपड़े वपड़े भी जो है ना मैं सारा जो है ना इसका रूम रीसेट करूँगी, बहुत जो है ना बुरा हाल हो रहा है इसके रूम की। सारी अलमारी जो है ना मैंने कवर सेट कर लिए। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं विंटर्स के कपड़े निकाल दूंगी और जो है ना समर्स के रख दूंगी, लेकिन जो है गर्मियां तो जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं, क्या करें। तो उस तरह सारे नाइट ड्रेस मैंने इसकी यहाँ पे रख दिए हैं, और डेली यूज़ के कपड़े यहाँ पर जो हैंग कर दिए हैं। इतनी गर्मियाँ हो रही हैं, क्या करें। मैंने सोचा था अच्छा खासी सेटिंग करूँगी, एक साथ ही कर लूँगी, लेकिन नहीं, हमें तो सुकून ही नहीं है। एक बार दोबारा सेटिंग की है, उसके बाद दोबारा करनी पड़ेगी। अभी रूम क्लियर करते हैं। नतीजा तो और जो है ना मैसी कर रही है रूम को। कपड़े जो है ना यहाँ से काफ़ी हद तक हट चुके हैं। हस्बैंड जी, अच्छा बेटा आप गेम खेलें, मुझे आपको रूम सेट करना है ना, फिर खेलेंगे। बहुत गंदा करा हुआ है आपने अपना रूम। इसके बहुत सारे जो है ना टॉयज निकाले, नीचे भी बहुत सारे इसके टॉयज रखे हुए हैं, जो ना मुझे अपनी मेड को दे दूँगी। ओके बेटा आप बैठे, मम्मा सेटिंग करके फिर बैठती हैं, क्योंकि बहुत से इसके इसमें से टॉयज ऐसे जो ये नहीं प्ले करते ना, तो जो बच्चे नहीं प्ले करते, अब आपके बच्चे बड़े हो गए तो अच्छा है कि वो किसी और के बच्चे उससे जो है ना प्ले कर लें। तो अब मैं वही सॉर्टिंग करने लगी हूँ उसके सारे टॉयज की। जब भी मैं इतने दिनों से सारा बकेरा हुआ है, मैंने कहा जो सारे टॉयज हैं वो मेट को दे दूँगी, आधे नीचे मैंने रखे हैं, एक साथ दे दूँगी। उसके बच्चे भी जो है ना वो खतीजे से छोटे और इसी की एज के, तो मैंने कहा वो प्ले कर लेंगे। हाँ खतीजा अभी जो है ना बस मैं ये सॉर्टिंग करती हूँ, और देखते कौन कौन से टॉयज हैं, वो जो सारे जो है ना मैं मेट के लिए रख देती हूँ। अपने बच्चों को ना आदत डालनी चाहिए कि वो जो है ना शेयरिंग करें। अभी से आदत डालेंगे तो जो है ना बड़े होके उनको ये होगी आदत कि जो है ना वो बड़े होके अपनी चीज़ें शेयर करेंगे। अगर हम अभी से ही, पहले ना ये बहुत बोलती थी, नहीं कहती थी, नहीं मैं अपनी कोई चीज़ नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं करूंगा। फिर मैंने ना इसको आहिस्ता आहिस्ता मतलब ट्रेन किया, छोटी थी जब ये, मैं इसको समझाया कि नहीं बेटा आपके यूज़ की नहीं है तो आप मेट को दे दो, या आपका भैया हैं वो पहनेंगे। फिर ये समझती है ना, तो अब ये खुद ही मुझे बता देती है। मैं इससे पूछती हूँ आप इससे प्ले करोगे नहीं करोगे, तो बोलती नहीं मैं इससे प्ले नहीं करूँगी। मैंने इससे पूछा आप ये हेयरबैंड यूज़ करोगे कि नहीं करोगे, इसने बोला नहीं मैं नहीं यूज़ करूँगी ना। मैंने कहा ठीक है फिर मैं ये दे देती हूँ जी। ब्लू लाइट मैंने बंद की है, खामा खा इसके लिए लगाई, मेरा सर दर्द हो गया ब्लू लाइट से। अब बस जो है ना मैं जल्दी जल्दी से सॉर्टिंग करूँ, ये बहुत मुश्किल काम होता है। दिखने में लगता है कि आसान है लेकिन ये बहुत मुश्किल है। अब ये इसको मैं पता नहीं, मैं कभी मैं इसको ऊपर लेके आ जाती हूँ कि अब इसका सीज़न ख़त्म हो गया, फिर गर्मी आ जाती है। मुझे तो सर दर्द हो गया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, गर्मियाँ हैं सर्दियाँ हैं, क्या है, क्या करूँ क्या ना करूँ, कौन से मौसम की तैयारी करूँ, दिमाग ना वो हो गया मेरा। जल्दी से जो है ना मैं इसकी सॉर्टिंग करती हूँ कि कौन से टॉयज से ये नहीं प्ले करती, जल्दी से सारे दे देती हूँ। अभी जो है ना समझो 50% अभी हुआ है इसका रूम ना, और अभी ये कि मुझे सारा जो है ना वैक्यूम मारना पड़ेगा, सारा जो है ना इसके मैं सारे प्लेमेट्स हटा के और ये सब रग वगैरह हटा के ना
सारा जो है इसको वैक्यूम मारूंगी, अच्छे से क्लीन करूंगी, ताकि जो जो है ना डीप क्लीनिंग जो है ना इसके रूम की वो अच्छे से हो जाए। बच्चे आपको पता है जो उनकी प्ले एरिया की जो जगह होती है वहाँ पर पता नहीं वो क्या क्या लोगों की। ये खतीजा के रूम का जो है ना वो फाइनल लुक है। खतीजा का रूम जो है ना वो सारा जो है मैंने सेट करके सारी जो है वो सफाई वगैरह कर दी है इसके रूम की। सारे जो टॉयज थे वो मैंने इस बास्केट में डाल दिए हैं। जो ये शॉक्स है जिनसे प्ले करती है वो सब जो है ना मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। अभी ये जो है अपनी बाइक पे यहाँ पे बैठी हुई है। सारी जो मुझे जो समझ आया, क्योंकि इतने टॉयज होते हैं, इतने टॉयज होते हैं, यकीन माने बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है समेटना। छोटे छोटे टॉयज, इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करो, उसको कहाँ रखूँ, इसको कहाँ रखूँ। जो इसके एजुकेशनल टॉयज थे म्यूज़िकल, मैंने इसमें डंप कर दिए हैं। कुछ यहाँ पर इसके पॉपेट्स वगैरह रख दिए हैं। कुछ बॉल्स और चीज़ें मैंने यहाँ पर रख दी हैं। बोर्ड मैंने इसका यहाँ लगा दिया। स्टफ टॉयज मैंने इसके यहाँ पर रख दी हैं। और कबर्ड वगैरह भी मैंने जो है इसका सारा जो है वो सेट कर दिया है। कबर्ड भी जो है सारा सेट हो गया है इसका। तो चलो आज का तो जो है ना बड़ा जो है मुश्किल था करना, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा जो है ना मैसी हो रहा था रूम, लेकिन थैंक गॉड कि हो गया। बस इसी के साथ ही जो है अपना ब्लॉग एंड करते हैं। खतीजा को मैं बस नाइट ड्रेस पहना के साथ ही जो है हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं। और अभी जो है मैं खतीजा को जो है नाइट ड्रेस पहनाऊँगी, क्योंकि खतीजा के जो है ना वो खेल तो जो है वो ख़त्म ही नहीं होंगे बिल्कुल ही। तो बस इसी के साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। हमारे चैनल को अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।